श्री ब्राह्मण सभा हुशियारपुर वालों परशुराम भवन एकता नगर विच प्रधान मधुसूदन कालिया ते महिला विंग दी प्रधान सुप्रिया एरी दी अगुवाई विच हरियाली तीज दा त्यौहार मनाया गया। इस मौके ते महिलावां ते बच्चियां ने तीज दीआं खुशियां मनाईआं। इस मौके ते कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, नगर सुधार ट्रस्ट दे चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा ते मेयर सुरेंद्र कुमार विशेष तौर ते पहुंचे। इस मौके ते तीज दीआं सारिआं नूं वधाईआं दिंदे होए श्री अरोड़ा ने श्री ब्राह्मण सभा वालों समाज दी भलाई लई कीते जा रहे कम्मां दी शलाघा कीती ते भगवान परशुराम लंगर हाले 10 लाख रुपए देण दा ऐलान कीता। इस मौके ते सभा दे मैंबरां ने मेहमानां नूं सम्मानित भी किया। भगवान की आरती में पंडित जी ने शामिल किया, बहुत ही अच्छा लगा। अंदर आए तो भगवान शिव के नमन हुआ, अंदर आए तो बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल इस वादी में हरी साहब का फर्स्ट मुकाम रहा। हरी साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी इसके लिए, मेरे को याद है यहाँ मक्कर खाना हुआ करता था, बहुत लड़ाई लड़ी है हरी साहब ने इस एरिए के लिए। तो जो लड़ाई है हरी साहब आपकी सफल हुई, आज यहाँ भगवान का घर बन गया। सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं जानता ज़्यादा बातें तो नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बहनें भी जहाँ बैठी हैं, कि भगवान परशुराम के नाम के ऊपर मैंने यहाँ देखा है शहर में 2-3 संस्थाएं बनी हैं। मैं आपको निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरी बहन आशा दत्ता भी बैठी है, सभी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, जब भगवान का नाम आ जाए ना, ये मत देखो कि कौन सी संस्था बना रही है कौन सी नहीं बना रही। भगवान के लिए हमें, मेरे को नहीं पता कि कौन सी संस्था है कौन सी नहीं। एरी साहब जब हम हुशियारपुर में आए थे तो इनके पास गए थे, ये कालिया जी बैठे हैं, मेरे को याद है शायद सूरज वंशी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, अगर कर दीजिए मेरे को। और ये सुंदर भवन बने,
जब अगली बार आप बुलाओ तो मेरे को पता लगे कि वाकई काम हुआ है। कोई गलती हो हर साल क्यों, हर महीने बुलाइए, साल तो बहुत दूर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुंदर भवन बने, मेरी बहनें बच्चियाँ जो जहाँ आती हैं उनको लगे, देखो ये मंदिर गुरुद्वारे बनते हैं ना, ये आप अगर हमारे मन में विश्वास है तभी है। इतने लोग पहले मंदिर गुरुद्वारे बनते थे, कहते क्यों बनते हैं, हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए भगवान के नाम की। कहते मंदिर गुरुद्वारा तब बनता है कि हमारे मन में डर आ जाए, अगर नहीं कहीं पाप करने लगे हैं तो भगवान की याद आ जाए कि मैं ये गलत काम ना करूं। यहाँ आकर मैंने पहले जब नमन किया। दस टेली न्यूज़ ले गुरजीत सोनू के नाल कैमरामैन जितेंद्र पिंस की रिपोर्ट।